नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे सो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह की खलबली पूरे देश में मची हुई है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के लोग और राजनीतिक पार्टियां, नेता ये देख रहे हैं कि आखिरकार बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके सर पर ये ताज चढ़ेगा। खैर, सत्ता और राजनीति कैसे सर चढ़ कर के बोलती है, इसका साफ तौर पर झलक बिहार में हो रहे जुनूनी चुनाव प्रचार अभियान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगता है इस महामारी का खौफ ना ही उम्मीदवारों में है और ना ही मतदाताओं में है। जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी कारण से मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बिहार में अब तक में लगभग 1000 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है, जिसमें बिहार राज्य सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हैं। और यही नहीं, अभी मंगल पांडे और सुशील मोदी नामक मंत्री का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना से अभी भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत जिन 71 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान है, उसके लिए सोमवार की शाम चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। खैर, आइए अब नज़र डालते हैं अब तक के सियासी उतार चढ़ाव पर कि चुनाव के दौरान अब तक में 2 पहलू साफ तौर से निकल करके सामने आए हैं। एक ये कि राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन शुरुआत में बेहतर स्थिति से फिसल कर कड़ी चुनौती में फंसा है, तो वहीं पर दूसरा पहलू ये है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों, जिसमें कि CPI, CPM और CPI-ML पार्टी शामिल हैं, के महागठबंधन में अचानक उछाल देखी जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान कोई तो एक ऐसा मुद्दा निकलता है जिसको लेकर के लोग पागल हो जाते हैं मतदाता। वैसे ही मुद्दा बन गया है बिहार चुनाव में बेरोजगारी का। जो बेरोजगार युवक हैं, उन्होंने तेजस्वी की जनसभाओं में भीड़ तो इकट्ठा की है और इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा के दौरान ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य की पहली कैबिनेट बैठक में ही वह राज्य के 10,00,000 बेरोजगारों को स्थायी सरकारी नौकरी देंगे। तो अगर वहीं पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पर इसका असर इस कदर हुआ है कि उसने भी 19,00,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कर डाली है, घोषणा कर डाली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी पार्टी ने जहाँ एक शब्द लगा करके अपने इस घोषणा को कमज़ोर बना दिया है, उन्होंने कहा है कि वे 19,00,000 बेरोजगारों को सृजनात्मक रोजगार देंगे, तो वहीं पर RJD ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि 10,00,000 बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देंगे। इसमें आप सब ये सोच सकते हैं कि आखिरकार झुकाव किसकी तरफ होगा। इसमें जाहिर सी बात है कि जहां पर स्थायी नौकरी की बात हो रही है, उधर पर झुकाव ज़्यादा होगा। खैर, बिहार चुनाव जितना नज़दीक आता जा रहा है उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। लोग इसका खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं, चाहे वो मतदाता हूँ, चाहे वो पूरे देश की आम जनता हो।
पार्टियां घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं करके एक दूसरे पर खूब भारी पड़ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है और समझने वाली सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार ये पार्टियां अपने मतदाताओं को कितना रिझा पाएंगी। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस शो की चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको भी पता चल सके आपके सुझावों के बारे में और हम अपने मुद्दों में, अपने शो में, अपनी खबरों में आपसे मिले सुझाव पर काम कर सकें, उनको शामिल कर सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।